जैसा कि विकास ने बताया या आप सभी जो हैं जो मुझे विकास ने बताया कि डेयरी प्रोफेशन में पशुपालन के प्रोफेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। मेरा जो टॉपिक है शायद सबसे मुश्किल है, कि पहला टॉपिक है। और जब आप डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी के तीन पिलर माने गए हैं, मैनेजमेंट। आज आपकी मैनेजमेंट में कुछ कमी है, आप उसको ठीक कर लीजिए, 48 से 72 घंटे के अंदर आपको कुछ रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। फीडिंग, बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आए हैं, आज आपको कुछ फीडिंग के शेड्यूल चेंजेस देंगे, आप उनको ठीक कर लीजिए, 15 से 20 दिन के अंदर आपको जो है कुछ ना कुछ टेंजिबल कुछ ना कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। जब आप बात करेंगे जेनेटिक्स तो ब्रीडिंग की, 4 से 5 साल का समय लगेगा जब आपको हम कुछ दिखा पाएंगे। तो आपको उतना जल्दी टेंजिबल, बट ये जरूरी क्यों है, क्योंकि डेयरी का धंधा अगर 100% है, 35% अगर उसमें इम्पोर्टेंस मैनेजमेंट की है, अगर 33% ब्रीडिंग की है, तो उतनी इक्विपमेंट जो है आपकी ब्रीडिंग की। आप अगर आपके पास अच्छी ब्रीड नहीं है तो आप जितना मर्जी बढ़िया मैनेजमेंट कर लीजिए, जितना मर्जी बढ़िया आप न्यूट्रिशन दे दीजिए, वो आपको परफॉर्म नहीं करेगा। और जो आज का प्लेटफॉर्म है प्रॉफिटेबिलिटी और प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास ब्रीडिंग का बेस हो। आप जिन जानवरों को खिला रहे हैं आपको पता हो कि वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देने वाले हैं। जो आज के टाइम में दूध के हालात हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है कि खुद जो है बुरे दौर से दूध का प्राइस जो है वो गुजर रहा है, पर आप और मैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी, आप और मैं यहाँ पर बैठकर दूध का रेट तो निर्धारित नहीं कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, जिस रेट पर हम पैदा कर रहे हैं, कम से कम उसको मिनिमाइज कर सके, उसको कम से कम कर सके। उसके लिए जो है मैं आपको कुछ एक ब्रीडिंग के जो पैरामीटर्स हैं क्या कर सकते हैं उसके थ्रू लेके चलूंगा। सबसे पहले सबको पता होगा कि फिनोटाइप परफॉर्मेंस, अगर गाय दूध देने के लिए है, घोड़ा अगर भागने के लिए है, अगर बैल वजन उठाने के लिए है, वो डिपेंड करता है जीनोटाइप, उसकी ब्रीड और उसकी एनवायरनमेंट। परफॉर्मेंस जो है, अगर आपके पास अच्छी गाय की जेनेटिक्स है और अगर आप उसको एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन अच्छा नहीं दे रहे हैं, तो आप उसे उम्मीद मत करिए कि वो आपको कुछ अच्छा प्रोड्यूस करके देगी। और अगर आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट और न्यूट्रिशन है और अगर आपके पास ब्रीड अच्छी नहीं है, जेनेटिक्स अच्छी नहीं है, तब भी आप उम्मीद मत करिए कि वो आपको अच्छा देगी कुछ। पिछले, मैं पंजाब में हूँ, 2005 से जो है जेनेटिक्स में बहुत इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आई, अमेरिकन कंपनियों ने जो है इस अपॉर्चुनिटी को देखा। ये एक आपको डाटा दिखाया जाएगा, मेरा आज का तात्पर्य आपके पास है, बहुत अच्छे अच्छे कंपनियों के लोग आपके पास सीमेंट बेचने के लिए आते हैं जेनेटिक्स के लिए। अगर आप ग्लोबल 10 कंट्रीज को देखें, उनके अंदर आप ट्रेंड देखोगे, नीदरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, आयरलैंड, पोलैंड, US, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये ग्राफ शो कर रहा है कि जब एक गाय पैदा हुई और उसके मरने तक लाइफ टाइम प्रोडक्शन, जब 2006 के अंदर पंजाब में ब्रीडिंग शुरू हुई तो लोगों को लगा कि पहले साल में मेरी गाय कितना दूध दे रही है, लोगों ने पहले साल में गाय को 50 लीटर पर ले गए, 55 लीटर पर ले गए, क्योंकि अमेरिकन जेनेटिक्स था। ये भूल गए कि अमेरिका के अंदर जो है उनकी लॉन्जिविटी जो है 1.8 लैक्टेशन, एक ब्यांक 0.8 ब्यांक दूसरे लैक्टेशन तक तो वो बर्गर में चली गई। नीदरलैंड में अगर आप देखोगे, एक गाय है एवरेज जो है जब तक वो दूध देने के बाद बर्गर में जाती है, सोटर में जाती है, तो 29,000 लीटर तक जा रही है। फिर आप जर्मनी को देखिए, फ्रांस को देखिए, अगर आप उसको US से कंपेयर करिए, उनका दूध बिकता है प्रोटीन पे, कहीं पर वो फैट की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पर अपनी लॉन्जिविटी की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने एक ऐसे एनिमल को जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया जो एक लैक्टेशन में 50-55-60 लीटर पे गया, दूसरे लैक्टेशन में 70-75 पे गया, उसकी इतनी जल्दी वीरिंग हुई, 2 लैक्टेशन के पहले पहले वो बर्गर में गया, खत्म हो गया। जब हम इंडिया की बात करें, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि नेचर ने इस गाय को यहाँ पैदा नहीं किया है, नेचर नो द बेस्ट, हम उसके अगेंस्ट जाके ब्रीडिंग कर रहे हैं। अगर ये हमारी ब्रीड होती, यहाँ पर सूट होती, तो नेचर इसको पैदा करती। अब बाहर जाइए, 200-200 किलो की गाय आपकी, 300 किलो की गाय घूम रही है, क्योंकि वो हमारी जो टफ कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग पैदा हुई थी। तो हमें एक ऐसा जेनेटिक्स चाहिए
जो बिल्कुल एक्सट्रीम में ना हो, एटलीस्ट हमारे नज़दीक हो। तो हमें वो जानवर चाहिए जिसके पास लॉन्जिविटी हो, जिसके पास मीडियम साइज। अब आप 2 क्विंटल की गाय से सीधा 1 टन की गाय पर पहुंचने वाले हैं। मैं पंजाब के अंदर हूँ, 800 किलो की, 900 किलो की, 1000 किलो की गाय है। जितना बड़ा जानवर होगा उसका आप जो है रिक्वायरमेंट को नहीं पूरा कर पाओगे, उसकी मैनेजमेंट को नहीं पूरा कर पाओगे। तो आपको जो है ऐसा जेनेटिक सेलेक्ट करना है जो मीडियम साइज हो, आपके नज़दीक हो, जो फैट की बात करें, लॉन्जिविटी की बात करें। दुनिया भर के अंदर 2 ट्रेड्स चलते हैं। अगर आप देखिए NVI, ये यूरोपियन ट्रेड्स हैं, और जो भी लोग अमेरिकन जेनेटिक्स को यूज़ करते हैं वो सारे के सारे TGI बेस्ड हैं। अगर मैं 3 पैरामीटर की बात करूं, प्रोडक्शन, अमेरिका के अंदर अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखिए 35 करोड़ लोग हैं, हमसे जो है 4 से 5 गुना बड़ा है। उनके पास जगह है, पास्चर्स हैं, उनके पास बड़े बड़े फार्म हैं। मैं अमेरिका 2 बार गया, कितने जानवर हैं, 20,000, 35,000, 50,000। आपको लगता नहीं कि आप उनसे कोऑर्डिनेट कर पाओगे, आपको लगता है वापस चलो। यूरोप में जाओ, 100 गाय, 150 गाय, 200 गाय, 500 गाय, तो आपको लगता है कि आप इतना बड़ा फार्म बना सकते हो। पर जब आप देखते हो 30,000 वाला फार्म, वो इंडस्ट्रियल स्केल का फार्म हो गया, आप वो फार्म नहीं बना सकते। तो उनको क्या चाहिए, प्रोडक्शन। उन्होंने जेनेटिक्स को इतना बड़ा मॉडिफाई कर लिया कि उन्होंने प्रोडक्शन को 46% उनके लिए सिर्फ दूध, दूध और दूध। बट जब हम बात करें हेल्थ और फर्टिलिटी की, क्योंकि उनको 2 लैक्टेशन के बाद उस गाय से भी मतलब ही नहीं है, वो बर्गर में जाने वाली है, तो उन्होंने जो है जेनेटिकली जो है उसको हेल्थ और फर्टिलिटी को सेलेक्ट नहीं किया है। अगर आप यूरोप के अंदर जाओ, फैमिली फार्म्स हैं, 7-8 लैक्टेशन तक के फार्म वहाँ पर गाय चल रही हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्रोडक्शन। आज के टाइम के अंदर हमारे यहाँ बात करते हैं कि सबसे बड़ा ब्रांड कार में कौन सा है, मारुति स्विफ्ट डिज़ायर, 50% मार्केट शेयर। क्यों, क्योंकि रीसेल वैल्यू है, कम खाती है, ठीक है, जहाँ मर्जी से पे करा लो, कोई कॉस्ट नहीं है। कल को आप BMW दूसरी जितनी भी बड़ी गाड़ियाँ रख लीजिए, उनकी कॉस्ट बढ़ेगी आपके पास। अगर आप गाय में चाहिए वो गाय जो हेल्दी है, जिसको मैस्टाइटिस नहीं है, जो ठीक ठाक खा रही है आराम से। अगर मैं फार्मर हूँगा, मेरे पास ऐसी गाय जो 35 लीटर दूध दे दे और 7-12 या 6 बार उसको मेरे बच्चा दे दे, राधर देन की एक गाय जो 70 लीटर दूध दे के 2 बारी दे, वो गाय आपकी सड़कों पर आने वाली है। तो यूरोपियन ने क्या किया, क्योंकि उनको हेल्थ और फर्टिलिटी चाहिए थी, तो लॉन्जिविटी पर देख लीजिए कितने साल तक आपकी गाय, कितने प्रोडक्शन तक चलने वाली है। तो जब आप सेलेक्ट करेंगे जेनेटिक्स, तो कोशिश करिए कि यूरोपियन जेनेटिक्स को सेलेक्ट करने की कोशिश करिए। कारण, क्योंकि वो आपको प्रोडक्शन पर जोर कम दे रहे हैं, हेल्थ एंड फर्टिलिटी पर दे रहे हैं। इस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि दूध नहीं देगी। एक चीज़ आप समझ लीजिए, ये जो HF ब्रीड है, ये दूध देने के लिए बड़ी है, दूध ये आपको देगी ही देगी। पर आपको क्या ट्रेस्ट चाहिए, हेल्थ एंड फर्टिलिटी कंफर्मेशन, रादर देन खाली प्रोडक्शन की बात करें। ये थोड़ा सा डाटा है नीदरलैंड की, अगर हम बात करूं 2017 के अंदर 18,000 फार्म के ऊपर 16 लाख एनिमल हैं। जब हम बात करते हैं 16 लाख, ये 16 लाख गाय हैं, इसमें हीफर और बच्चे शामिल नहीं हैं। हम जब इंडिया की बात करते हैं तो कोई बोलता कितने जानवर हैं, 100 जानवर में पता लगा दूध देने वाले तो 30 ही थे, बाकी 70 तो खा ही रहे थे। यहाँ पर जब डाटा की बात करते हैं तो सिर्फ लैक्टेशन खर्च की बात करते हैं, जो दूध देने वाला जानवर है। 2015 तक यूरोप के अंदर मिल्क कोटा था, आपको लाइसेंस मिलता था, आप इतना ही दूध पैदा कर सकते हो। लोगों ने आवाज उठाई, उन्होंने मिल्क कोटा खत्म कर दिया। अब नीदरलैंड की अगर आप बात करो, वहां पर एक अलग परेशानी हुई। 70% नीदरलैंड समुन्द्र तल से नीचे है। जब गोबर बढ़ना शुरू हुआ, गोबर सबसे बड़ा सोर्स है फास्फोरस पॉइजनिंग का, फास्फोरस जो है पोल्यूशन का, उनके पास गोबर बढ़ना शुरू हो गया। 2017 में उन्होंने फार्मर का दूध का तो कोटा बंद कर दिया, फास्फोरस का कोटा शुरू कर दिया। इसका मतलब हो गया इनडायरेक्टली के गोबर का कोटा शुरू कर दिया कि एज ए फार्मर दूध इतना मर्जी पैदा करो, पर आप गोबर इससे ज़्यादा पैदा नहीं कर सकते। तो गोबर का कोटा हुआ तो लोग थोड़े और समाप्त निकले। लोगों ने क्या किया, अपने हिफर्स के फार्म जर्मनी में शिफ्ट कर दिए, आपके काफ के फार्म फ्रांस में शिफ्ट कर दिए। अब नीदरलैंड में अगर आप जाओगे तो मोस्ट ऑफ लोगों के पास हिफर और आपको जो है बच्चे दिखाई नहीं देंगे, आपको एडल्ट एनिमल दिखाई देंगे, क्योंकि उनका गोबर का कोटा था। तो उनको लगता था जो बच्चा या जो हिफर दूध नहीं दे रहा गोबर पैदा करेगा तो मेरा कोटा खत्म हो जाएगा। तो 18,000 फार्मों के ऊपर 16 लाख जो है एडल्ट एनिमल है, और ये जो 16 लाख गाय हैं ये 127 करोड़ लीटर दूध पैदा कर रही हैं हर रोज।
85% जो एनिमल है वो मिल्क प्रोडक्शन कोडिंग के अंदर वो डाटा देते हैं, तो ये डाटा की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप अमेरिका में जाइए, डॉक्टर साहब करेक्ट मी मैं अगर गलत हूँ, अमेरिका के अंदर सिर्फ 20% जानवर मिल्क प्रोडक्शन कोडिंग में है। अगर आप यूरोप में जाइए या नीदरलैंड में जाइए तो 85% है, तो ये डाटा ज़्यादा रिलायबल है। पार्टिसिपेशन इन रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन, डेयरी काउस टोटल 18 लाख में से 85% गाय हैं, उनका मिल्क रिकॉर्डिंग डाटा जाता है डेयरी का। हीफर्स के अंदर जो है 95% हीफर्स जो रजिस्टर्ड है हर्ड बुक के अंदर, फर्स्ट लैक्टेशन के अंदर 50% जानवर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और आइडेंटिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन 100% जानवर का डाटा रिकॉर्डेड है। ये डाटा दिखाने का क्या मतलब है, इसका आपका क्या सरोकार? इससे आपका सरोकार ये, आप सारे लोग डेयरी फार्मर हैं, आप सारे ग्रो करना चाहते हो, आप सब चाहते हो कि मैं बड़ा बनूं, आपका हक है। अगर मुझसे कोई आज पूछे कि मुझे दिल्ली जाना है तो रूट क्या है, तो मेरा पहला क्वेश्चन आएगा कि भाई साहब कहाँ खड़े हो, वो बंदा बोलेगा रायपुर में खड़ा हूँ तो आपका रूट ये है, कलकत्ता में खड़े हो तो आपका रूट ये है। आप लोगों की मजबूरी क्या है, आप जाना तो सारे दिल्ली चाह रहे हो, आपको पता नहीं आप खड़े कहाँ, पर जब तक आपको खुद नहीं पता होगा कहाँ खड़े हो, आपकी कोई कंपनी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि लोग मेरे जैसे आएंगे सीमेंट बेचेंगे चले जाएंगे, पर आपको हो सकता है दूध बढ़ जाए पर जेनेटिक डेवलपमेंट हार्ट इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली, उसके लिए डाटा जरूरी है। क्योंकि कोई भी कंपनी कोई भी आदमी, डॉक्टर संत डॉक्टर मुकेश जितने भी गण यहाँ पर जनगण बैठे हुए हैं, कोई भी मदद नहीं कर सकता, जितनी मर्जी अच्छी फीड हो जाए जितनी मर्जी अच्छी जेनेटिक्स हो जाए, जब तक आपको ये नहीं पता कि आप खड़े कहाँ, तभी तो आप एक बेंचमार्क रखोगे ना कि यहाँ खड़ा हूँ और यहाँ जाना मुझे, तो उसके लिए डाटा जरूरी है। अब हम जब बात करते हैं यूरोपियन और अमेरिकन जेनेटिक्स की, अमेरिकन जेनेटिक्स की जो लॉन्जिविटी है 1.1 लैक्टेशन की है, 1.8 लैक्टेशन की, दूध बिकता है प्रोटीन पे, उनसे फैट का कोई सरोकार नहीं है। मैं 20 साल से डेयरी इंडस्ट्री में हूँ, डॉक्टर साहब एबीसी डेयरी का जो है फार्म संभाल रहे हैं, आप सारे के सारे जनगण, आप जितनी मर्जी बात कर लीजिए, मेरी साइंस जीरो है। जब मैं घर जाता हूँ ना, अगर घर के अंदर जो दूध खरीदता है उस पर मलाई ना आए ना, तो मेरी घरवाली और माँ बोल देती कि तेरी साइंस फेल है, मलाई तो आई नहीं है। हम जो है फैट ईटिंग जो है कंट्री है, घी चाहिए मक्खन चाहिए, और हमारी जो दूध की क्वालिटी है वो सिर्फ कितनी मोटी मलाई आई है उस पर डिपेंड करेगी, इसलिए हम प्रोटीन की तो बात ही नहीं करेंगे। जो मर्जी कर लीजिए, अगले 50 साल तक हमारा जो है फैट के प्रति जो मुंह है वो खत्म नहीं होगा, हमारा दूध भी फैट में बिक रहा है। आप बताइए किसी का बिना फैट के बिक रहा होगी, तो आपको जेनेटिक्स में फैट चाहिए। यूरोपियन जेनेटिक्स की बात करिए, उनको भी फैट चाहिए, हमें फैट घी के लिए चाहिए, उन्हें फैट चीज़ के लिए चाहिए। तो अगर आप देखोगे, अगर आप किसी भी अमेरिकन काउंटर पार्ट से किसी कंपनी से पूछो, उनका एवरेज जो प्रोटीन है फैट है वो 3.5 या 3.6 से ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर जो है 4.3। लाइफ टाइम प्रोडक्शन, एक एवरेज गाय दूध देने से लेकर और जब वो स्लॉटर हाउस में जाएगी तब तक वो तकरीबन 31,000 लीटर दूध पैदा करती है पर डे की एवरेज, जो 47 लीटर की है वो, अभी जिसमें जो प्रोटीन। अब दो तरह की इंडस्ट्री चली गई है दुनिया भर के अंदर, एक यूरोपियन एक यूएसए। मैंने इसका डाटा थोड़ा लिया, अगर आप ये ऑफिशियल रिकॉर्डिंग डाटा है, ये डाटा ये बोलता है 305 दिन के अंदर एक एवरेज गाय अगर अमेरिका में हो तो वो 9,461 लीटर दूध देती है फर्स्ट लैक्टेशन में, और यूरोपियन गाय जो है डच गाय 8,245 लीटर दूध देती है। तो आपको लगेगा ऑफकोर्स जो है यूएसए की गाय ज़्यादा दूध दे रही है, ऐसा लगता है जब तक आप डाटा को एनालाइज ना करो, और वो डाटा आपको एनालाइज करना आना चाहिए। जब आप फैट को देख रहे हो, यहाँ पर फैट है 3.5%, यहाँ पर फैट जो है 4.27%, और यही हाल आपका प्रोटीन का है, जिससे कि आपकी एसएनएफ बढ़ने वाली है। जब हम इस डाटा को हम सेब से सेब कंपेयर करें, जब आप इसको दूध को 4% फैट पे करेक्ट करते हो, तो आप देखिए यूरोपियन गाय जो है वो 9,500 लीटर दूध दे रही है और आपकी अमेरिकन गाय 8,400। क्योंकि आप जो मर्जी कर लीजिए आपका दूध फैट पे बिकेगा, आपको जो है जेनेटिक्स के में
लॉन्जिविटी के अलावा फैट भी चाहिए। ये आपका लाइफ टाइम प्रोडक्शन, एक अमेरिकन गाय और एक यूरोपियन गाय जो है वो कितना दूध दे रही है अपने लाइफ टाइम के अंदर, 30,987 लीटर, और ये अमेरिकन गाय 18,000 लीटर। और फैट, और जब इसको हम 4% फैट के साथ कंपेयर करते हैं, डाटा है ऑफिशियल डाटा कि 33,000 लीटर दूध देती है अगर आप यूरोपियन जेंटिक्स का यूज करते हो कंपेयर टू अमेरिकन जेंटिक्स। ये मैं आपको डाटा क्यों दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि कंपनियों ने यूरोप के अंदर जो है उन्होंने ब्रीड डेवलपमेंट की है, 2000 से लेकर 2015 तक गाय जो है 24,000 लीटर से लेकर वो 30,000 31,000 लीटर पर आ गए हैं, और कहीं भी फैट के हक उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो जब आप जेनेटिक सेलेक्ट करें, जब आप ब्रीडिंग में जाए, तो आप चीज़ों को ये सारा का सारा डाटा देखना पड़ेगा। जितने भी फार्मर हैं, मुझे उम्मीद है कि शायद उनको HF गाय, जब हम होस्टियन फ्रीजन की बात करते हैं, उसके बारे में पता होगा। होस्टियन फ्रीजन मीन्स हॉलैंड और फ्रीस्टैंड की ब्रीड थी जो नीदरलैंड में डेवलप हुई, और ये पहली गाय है 1874 के अंदर जो नीदरलैंड से अमेरिका एक्सपोर्ट हुई थी। तो ये ब्रीड कहाँ से बिलोंग करती है? यूरोप से, नीदरलैंड से। तो जिस कंट्री की वो ब्रीड है, शायद उनको ज़्यादा पता होगा इसको कैसे यूज करना है, कैसे मेंटेन करना है। अमेरिका के अंदर उन्होंने इसको मशीन बना लिया हुआ है, वो कंडीशन हमारे पास नहीं है, वो पास्चर हमारे पास नहीं है, वो हमारे पास ब्रीडिंग पॉलिसी नहीं है, ना हम इसको स्लॉटर कर सकते हैं। तो आपको जो है ऐसा जेनेटिक्स चाहिए जो आपके ज़्यादा नज़दीक हो, मीडियम साइज का हो, आपको लॉन्जिविटी दे, फैट दे, SNF दे, हेल्थ प्रूफ हो। सो एक ऐसी गाय, बेटर काउज बेटर लाइफ। पिछले दिनों कसा में ट्रेनिंग में गया काउ सिग्नल की, उसमें यह सिखाया गया कि अगर आपके पास एक बीमार गाय है, जितना टाइम उसको आपको ट्रीट करने में, देखभाल करने में लग रहा है, उतने टाइम के अंदर आप 40 हेल्थी एनिमल को ट्रीट करते हो। तो अगर आपके फार्म में गाय अगर बेटर नहीं है, हेल्दी नहीं है, तो आपकी लाइफ आप ये गेज रहोगे। आप यहाँ पर भी मीटिंग में बैठे हो तो आपको लगेगा फ़ोन बजा, मैं स्टेटिस हो गया, गाय का बच्चा मरने वाला है, मेरे को कुछ हुआ। अगर आपको अपनी लाइफ को हेल्दी करना है, अगर आपको परफॉर्मेंस में जाना है, न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, तो आपके पास बेटर गायें होंगी, तभी वो न्यूट्रिशन, तभी वो मैनेजमेंट आपकी काम करेगी। दिस इज द ब्रीडिंग प्रोग्राम जिसके ऊपर जो है यूरोप के अंदर एम्फेसिस है, हेल्दी गाय चाहिए, मीडियम साइज गाय चाहिए, एफिशिएंट एंड ईजी। ऐसी गाय जो एफिशिएंट हो, जिसको आप आसानी से मैनेज कर सको, एडिड वैल्यू फॉर आवर जेनेटिक्स। वो क्या है? किसी भी एक फार्मर के पास आप जाओगे, मेरे पिताजी का भी फार्म था, अभी पिछले 20 साल से मैं फार्मर पर जा रहा हूँ, किसी भी फार्मर से पूछो फार्म इनकम किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? आपका टर्नओवर बढ़े, टर्नओवर तब बढ़ेगा जब आपके ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, उस प्रोडक्शन में अच्छा फैट होगा, प्रोटीन होगा, SNF होगा, और दूध की क्वालिटी जो है अच्छी होगी। और फार्म के खर्चे कैसे कम हों? आपके पास जो है गाय बीमार कम हो, फीड एफिशिएंसी आपके पास अच्छा है, जो गाय खाए उसको अच्छा दूध में कन्वर्ट करके दे, और जो है हेल्दी और फर्टिलिटी हो। ऐसी गाय जो साल में एक बार ब्याह, इसको कौन बेचना चाहेगा? मैं पंजाब से हूँ, PDFA ने मेले लगाए 2007 से, और 2017 का मेला 11 मेले हो चुके हैं। मैंने विवेक भाई बताना, आप ऐसी कोई गाय देखी जो एक बार HF गाय थी और मेला जीत गई हो और दोबारा फिर मेला जीत गई हो? क्योंकि एक बार जिस गाय ने 70-75 लीटर दूध निकाल दिया, वो 2-3 साल तक दोबारा गई सर्कल से। एज ए फार्मर आपको वो गाय नहीं चाहिए, आपको गाय चाहिए जो 30-35 लीटर दूध दे सके और हर साल 13 महीने में 14 महीने में बच्चा दे सके। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आज के टाइम के अंदर जब हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स के जो पेंडेंट देखते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर औरतें आपको दिखाई देती हैं, सबको अच्छी पसंद लगेगी वो, पर एक ध्यान रखना, आपके घर में आके आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उनकी पोस्ट आप बियर नहीं कर पाओगे। आप किसी बंदे को बोल देना, आपको जो है रियलिटी में देना पड़ेगा वो ब्रीड हो जो आपके ज्यादा नजदीक हो। अगर बात की जाए एज ए फार्मर, इजी टू मैनेज एंड एफिशिएंट काउ, इसका क्या मतलब है? एक गाय जो अच्छा खाए और दूध दे, जिसका फीड इनटेक अच्छा हो, फर्टाइल हो, साल में एक बार 13 महीने में ब्याह जाए,
लेमनेस का ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिसके ऊपर लगड़े पड़ की परेशानी ना हो, उसके साथ लेमनेस की परेशानी कम हो, मेस्टाइटिस कम हो, वेल बैलेंस्ड फॉर्म पे खड़ी हो तो देखने में आपको लगे भी अच्छी गाय है आपकी। इसका यह मतलब है कि वो गाय जो आपके फॉर्म पे 7-8 लैक्टेशन तक चल सके, और वो वही गाय होगी जो मीडियम साइज की होगी, जिसके अंदर ये कोई दिक्कत नहीं होगी, आप उसको 4-5 लैक्टेशन तक क्यों बेचने वाले हो, आप रखोगे इसको। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, लाल जो ग्राफ दिखा रहा है, एक बच्चा पैदा हुआ उसने कितना खर्च किया, बच्चा पैदा हुआ तो दूध का खर्चा, का स्टार्टर का खर्चा, डिवर्मिंग का खर्चा, जब तक वो 2 साल का नहीं होगा तब तक तो आपको कुछ देगा नहीं वो। उसके बाद अगर वो ब्याह भी गई, फीड के खर्चे बढ़ गए, नीले वाला जो है वो टोटल प्रॉफिट है, ये दिखा रहा है कि पहले लैक्टेशन तक जब आपने एक गाय ने आपको पहला लैक्टेशन दे दिया, आपको घर में पीने के लिए दूध और गोबर के अलावा उसने कुछ नहीं दिया, प्रॉफिटेबिलिटी शुरू होगी जब वो आपको सेकंड लैक्टेशन देगी, जब आपको थर्ड लैक्टेशन देगी, जब आपको फोर्थ लैक्टेशन देगी। और ये HFB जो है ये इतना बढ़िया डीजल इंजन है कि ये 3-3 लाख किलोमीटर तक 5-5, 6-6, 7-7 लैक्टेशन तक इसको कुछ होने वाला नहीं है, अगर सही ढंग से इसको मैनेज किया। आपसे रिक्वेस्ट है कि पंजाब के अंदर भी ट्रेंड शुरू हो चुका है, इवन यूरोप के अंदर भी ट्रेंड शुरू हो चुका है कि गाय को लोग 7-8 लैक्टेशन तक रखते हहैं। आप भी जो है 3-4 लैक्टेशन तक रखिए, उसके बाद आप प्लान करिए कि इसको मैं बेचूं। सो बेटर लाइफ हेल्थ, आपको गाय सेलेक्ट करने के लिए 2 मेन पैरामीटर हैं, बेटर लाइफ हेल्थ। बेटर लाइफ हेल्थ का मतलब है ऐसी गाय जिसके अंदर हूफ हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो, अदर हेल्थ की प्रॉब्लम कम हो, किटोसिस कम हो, फर्टिलिटी का कोई इशू ना हो, और काविंग ईज जब वो ब्याए वो बड़ी आसानी से बच्चा दे दे, ताकि बच्चे के लिए और गाय के लिए कोई दिक्कत ना हो। फिर बेटर लाइफ एफिशिएंसी, इसका मतलब है कि एक गाय जो है वो हायर प्रोडक्शन दे, हायर लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी का मतलब है बार बार कि वो आपके फार्म पर लंबा चले 6-7 लैक्टेशन तक। मोर एफिशिएंसी, आपने देखा होगा फार्मों के ऊपर गाय होती है, दोनों गाय 5-5 किलो फीड खा रही है, एक गाय 5 किलो फीड खा के 15 लीटर दूध निकाल रही है, एक गाय 5 किलो फीड खा के 12 लीटर दूध निकाल रही है, तो वो गाय जो ज़्यादा एफिशिएंट है। एंड नो लॉन्गर काविंग इंटरवल, ऐसी गाय जो 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 AI के बाद ठहर गई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यूरोप के अंदर कुछ कंपनियों ने मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाया डीजी क्लॉ। डीजी क्लॉ के अंदर यूरोप के अंदर जितना भी गायों के अंदर आपके खुरों की दिक्कत थी, डिजिटल डर्माटाइटिस, इंटर डिजिटल डर्माटाइटिस, लंगड़ेपन से रिलेटेड, इन सबका डाटा इकट्ठा होता है। और अभी तक 2006 से लेकर 2015 तक या 2017 का जो लेटेस्ट डाटा है, तकरीबन 20 लाख गायों का डाटा इसके अंदर कलेक्ट हो चुका है। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि उन्होंने डीजी क्लॉ का डाटा कलेक्ट किया और उसको उस बुल के साथ, जिस बुल की बछियाँ थी उनके साथ जब उनको मार्कर वैक्सीन का कोरिलेट करके देखा, तो उनको पता लगा कि बहुत सारे बुल हैं जिनको जो है लेमनेस के लिए उनकी ब्रीडिंग वैल्यू 100 से नीचे थी, ये 100 से ज़्यादा थी। 100 ब्रीडिंग वैल्यू का मतलब है इस बच्चे को तकरीबन 5 या 6 बछियाँ जो हैं इस बुल की, उसके अंदर लंगड़ापन आएगा। जो बुल, ये बुल दूध में बड़े अच्छे हैं, पर अगर आप इसको अपने फार्म पे यूज करोगे तो आपके फार्म पे लंगड़ापन बढ़ेगा। अगर आपके फार्म पे ऑलरेडी लेमनेस है तो आपको ये वाले बुल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और इस डाटा की रिलायबिलिटी जो है प्रोजेनिक एसिड बुल के अंदर 99% तक है, और जीनोमिक बुल के अंदर जो है 50% तक है। तो कल जब आप ब्रीड की वैल्यू करो, जब आप सीमन की वैल्यू करो, कोई बंदा आपको बोलता है कि 100 रुपये का स्टो है, 500 का स्टो है, 1000 रुपये का स्टो है, वो आपके लिए यूजलेस है जब तक आपके पास ब्रीडिंग वैल्यू या डाटा नहीं है। सो वी हेल्प यू ब्रीड एन एफिशिएंट एंड ईजी टू मैनेज हर्ड। और ये हम करते कैसे हैं? आज के टाइम के अंदर आप डॉक्टर मुकेश के पास गए, डॉक्टर साहब कौन सा सीमन यूज कर रहे हो? मैसी यूज कर रहे हैं जी। आप घर पे मैसी मैसी मैसी, आपको नहीं पता वो आपकी रिक्वायरमेंट थी या नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उन्होंने किस कराई थी, सिलेक्ट किया। शायद मैच एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम आपके एनिमल का डाटा डालेंगे,
आप दिल्ली कैसे पहुंचना चाहते हो, और आपको कौन कौन से रूट है, ट्रेन सूट करेगी कि बस सूट करेगी, कौन सा बस सूट करेगा, आपके फार्म में लेनदस कितना है, स्टेटस कितना है, ये सॉफ्टवेयर आपको बताएगा कि आपको पर गाय कौन सा बुल यूज करना चाहिए। दैट विल बी ए मोर साइंटिफिक एंड अक्यूरेट वे आप कहां से कहां पहुंचना चाहते हो। अदरवाइज जो है आप एक स्टेप आगे करोगे, एक स्टेप पीछे करोगे, क्योंकि आपको जेनेटिक्स के बारे में नॉलेज नहीं है। दूर से देखने में विच वन इज बेस्ट, एक ये साजिश है और एक ये साजिश है। किसी भी क्वेश्चन से किसी भी आदमी से पूछा जाए, दोनों में देख के वो वैसे ही कमेंट कर देगा। वो कमेंट वैसे ही होगा जब तक आप जब गाय के अंदर ना जाकर देखोगे। दूर से दो गाय को देखोगे आपको दोनों गाय एक्सेप्ट लगेगी, पर जब तक उसका जेनेटिक्स, जब तक उसके अंदर जान के आप उसका जीनोमिक्स नहीं देखोगे, तब तक आपको नहीं पता होगा कि दोनों में से कौन सी गाय अच्छी है। और हर्ड मैनेजमेंट की जब बात करें, लॉन्जिविटी, हेल्थ, फर्टिलिटी, एफिशिएंसी और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सिर्फ लास्ट में आ रहा है। ये गाय बार बार हो रही है, बार बार बोला जा रहा है कि गाय दूध तो आपको देगी ही देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये वो गाय है जिसके लिए यूरोप और नीदरलैंड प्राउड है। ये गाय पिछले साल 2017 दो जुलाई को इसकी डेथ हुई, 18 साल की होकर ये गाय मरी। 14 लैक्टेशन के अंदर इस गाय ने मात्र 2,07,827 लीटर दूध दिया, और फैट 4.6 फैट के साथ ये गाय वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, और ये यूरोपियन जेनेटिक्स है, सीआरवी जेनेटिक्स है। और ऐसा नहीं है कि एक गाय पैदा कर दी, यूरोप के अंदर 31,000 गाय ऐसी हैं जो 1,00,000 लीटर से ज़्यादा दूध पैदा कर चुकी हैं। 1,00,000 लीटर दूध पैदा करने के लिए कोई 7 लैक्टेशन में गई, कोई 8 में गई, कोई 10 में गई। अगर आप यही किसी अमेरिकन भाई से पूछोगे तो दो के पास इसको पता नहीं होगा काम बर्गर में गई। तो आपको जो है नीड टू कवर कम टू यूरोपियन जेनेटिक्स एंड ये प्रोटीन और फैट के साथ। पैसा आप लोगों के पास आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, बैलगाड़ी से अम्बेसडर पे आ गए और अम्बेसडर पे फरारी पे आ गए। अगर फरारी रखने का शौक है, उसके लिए सड़कें, उसके लिए फ्यूल, उसके लिए सर्विस, ड्राइविंग स्किल्स आपको देने पड़ेंगे। अगर ये जेनेटिक्स आपको रखना है तो अच्छी न्यूट्रिशन, अच्छी मैनेजमेंट, आप जो है बैलगाड़ी वाले स्टाइल से इस गाय को नहीं चला पाओगे। जो पहली स्लाइड से शुरू किया था वही लास्ट स्लाइड है। फिनोटाइप परफॉर्मेंस जो है ऑफकोर्स डीएनए और जीन्स पे डिपेंड करती है, बट जब एनवायरनमेंट की बात है, आपका बार्न, आपकी फीड, आपकी मैनेजमेंट, आपकी डिजीज और आप, ये सारे आओगे। आप गाय को जो है बदनामी मत दो कि गाय एचएफ ब्रीड अच्छी नहीं है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप भूल जा रहे हो। तो आज के दौरान आपको लगता है जो अगली प्रेजेंटेशन है वो सारा यही कवर करेंगे, मेरा तो काम इतना ही। जितनी मर्जी कहानियाँ कर ली जाए, बाय द एंड ऑफ द डे दूध ही है इसकी वैल्यू है। सारे मिले दूध के लिए इकट्ठे हुए। थैंक यू। अगर कोई किसी का क्वेश्चन हो तो मेरे लगता है कि प्रेजेंटेशन के बाद बारे में। थैंक यू सुजीत, सबसे बड़ी बात टाइम से खत्म करने के लिए। सुजीत ने दो तीन चीज़ें बोली कि भाई हमको लॉन्जेविटी चाहिए, हमको बॉडी वेट अपनी रेंज में चाहिए, हमको ये चीज़ें सारी यूरोपियन जेनोमिक्स में ज़्यादा क्लोज है हमारे जो एनिमल हैं उनके साथ। हम लोग शायद वाकई में फैट और एसएनएफ पर ही फैट पर हम दूध बेचते हैं, हमको शायद फैट परसेंटेज ज़्यादा चाहिए, तो हमारे पास जेनेटिक्स वैसा होना चाहिए। एक शब्द सुजीत बार बार यूज़ कर रहे थे, मैं उसको क्लैरिफाई कर दूँ, शायद कुछ लोग नहीं दे पाए हूँ, बर्गर। उन कंट्रीज में क्या होता है, गाय स्लॉटर होके उनके पीस बन के बर्गर के अंदर रख के खाई जाती है, बीफ पीसेस, उसको बर्गर बार बार यूज कर रहे थे कि दो लैक्टेशन के बाद वो स्लॉटर हो जाती है, पीस पीस बन के बर्गर में खा ली जाती है, खत्म हो जाती है, पता नहीं चलता। वो बर्गर बार बार यूज कर रहे थे, उसका अर्थ एक्चुअली ये था। लेकिन एक सबसे अच्छी चीज उनकी प्रेजेंटेशन मुझे लगी कि आज की डेट में जेनेटिक्स में मेस्टाइटिस और लेमनेस जैसी चीजों पर भी काम होने लगा है, कि मतलब कोई खास जेनेटिक्स आप ऐसा चूज कर सकते हैं जिसमें कि आपके फॉर्म पर मेस्टाइटिस कम हो, या आपके फॉर्म पर अगर लेमनेस वगैरह के इश्यूज हैं तो वो कम हो। दिस इज वेरी गुड, अगर इन चीजों पर काम होने लगा है मतलब हम जेनेटिक्स में काफी आगे निकल रहे। सिर्फ दूध और फैट की बात नहीं कर रहे हैं हम, अब हम हमारे फॉर्म में कौन सी चीज, हम जो इशू करते ना, हम पंजाब से गाय लाए लेकिन हमारी परेशान हो गए, अब वो चीज़ें खत्म होने की शायद शुरुआत हो गई है इन चीज़ों के साथ कि नहीं, अब वो दिक्कतें नहीं है।